हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एचयूएल के शेयर के बारे में। तो गाइस, अगर आप किसी भी शेयर को बाई करने के सोच रहे हैं बट आप कंफर्म बाई नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। ये शेयर आपको काफी अच्छी और कम समय में प्रॉफिट दे सकता है। तो गाइस, इस शेयर को कंफर्मेशन के लिए मैंने आपके साथ काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे गाइस, आपको काफी अच्छी कंफर्मेशन मिल सकती है इस शेयर के बारे में। और गाइस, अगर आप इसी तरह के शेयर हमेशा चाहते हैं आपको कम समय में अच्छी प्रॉफिट देने वाले, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और गाइज, मैंने कुछ शेयर्स आपके साथ डिस्कस भी किया है, तो वो गाइज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के उस सारे वीडियोस को आप कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद, शेयर को बाय करने के बाद अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज, बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 6 पॉइंट डिस्कस किया है। गाइज, नंबर फर्स्ट में मैंने आपके साथ इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और जो एचयूएल का जो प्राइस अर्निंग है वो आपके साथ डिस्कस किया है। गाइज, नंबर सेकंड में मैंने आपके साथ एचयूएल का परफॉर्मेंस डिस्कस किया है 1 वीक टू लेकर 1 ईयर तक का। तो गाइज, आप देख सकते हैं। नंबर थर्ड में मैंने आपके साथ इसका नेट इनकम क्लियर किया है क्वार्टरली का चार्ट लगा करके। तो गाइज, वीडियो में बने रहे हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियरली डिस्कस किया करूंगा। और आप गाइज देख सकते हैं, नंबर फोर मैंने आपके साथ शेयर होल्डिंग डिस्कस किया है कि प्रमोटर्स के पास यानी कि टोटल सब लोग के पास कितने परसेंट तक का, यानी कि प्रमोटर्स के पास, एफआईए के पास, डीआईए के पास और पब्लिक के पास कितने परसेंट तक का शेयर होल्डिंग है। गाइज, अगर नंबर फाइव में देखें तो आप देख सकते हैं मैंने आपको रियल चार्ट पे इसका टारगेट्स एंड सपोर्ट्स क्लियर किए हैं कि अगर आप शेयर को गाइज अगर यहाँ पे बाई करते हैं तो इसके टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, गाइज आपको कितने परसेंट तक का ये प्रॉफिट दे सकता है, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा। तो नंबर सिक्स में देखते हैं, नंबर सिक्स में आपको आरएसआई और एमएसईडी क्लियर हो रहा है। गाइज, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि शेयर को हमें बाई करने का इंडिकेट मिल रहा है या नहीं, या फिर यहाँ से हमें शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं। तो गाइज, आरएसआई और एमएसईडी आपको क्लियर कंफर्म करेगा शेयर को बाई करने के लिए। फुली कंफर्मेशन के लिए गाइज आप वीडियो में एंड तक बने रहें और गाइज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर इसके प्राइस अर्निंग की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने इसका प्राइस अर्निंग लगा रखा है, ये जो इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग है 67.85 है। और गाइज, जो एचयूएल का प्राइस अर्निंग है वो आप देख सकते हैं 70.78 है। तो गाइज, आप देख सकते हैं इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग से जो है एचयूएल का प्राइस अर्निंग थोड़ा अप आपको दिख रहा होगा गाइज, फिर भी आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग पे ही ये शेयर आपको अवेलेबल है। गाइज, थोड़ा बहुत का अंतर है कुछ ही पॉइंट्स का। तो आप इसके डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो डिविडेंड है ये शेयर आपको 1.29 यानी कि गाइज आप देख सकते हैं आपको 1.29% तक का ये शेयर जो है आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज, ये काफी अच्छी डिविडेंड आपको ये शेयर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसके परफॉर्मेंस जानना चाहें तो मैं आपको क्लियर करूँ। गाइज, नंबर 0.2 में आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ क्लियर किया है 1 वीक में। गाइज, आपको 2.25% तक का परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज, आपको ये आपको मैंने जैसा कि बताया आपको कम समय में काफी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, 1 वीक में ही ये शेयर आपको 2.25% तक का प्रॉफिट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा रहा है। गाइस, अगर 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये गाइस 1 मंथ में ये जो शेयर है आपको 1.46% तक का ये जो शेयर है आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, 1 मंथ में थोड़ा कम किया है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस आपको 1 मंथ में प्रोवाइड करा रहा है। गाइस, आपको 1 मंथ में इतने परसेंट तक का शेयर आपको काफी अच्छा ये प्रोवाइड करा रहा है। गाइस, अगर 3 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 3 मंथ में गाइस ये आपको 9.26% तक का परफॉर्मेंस क्लियर कर रहा है। तो गाइस, आपको 3 मंथ के लिए अगर आप शेयर को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गाइज आपको 3 मंथ में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रह सकती है। गाइज, अगर 6 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में इसने थोड़ा कम किया है, फिर भी गाइज आप देख सकते हैं 2.49% तक का शेयर इसने आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराया है। तो गाइज, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको लगातार प्रोवाइड कराते चला रहा है। गाइज, ये शेयर जो है आपको माइनस में नहीं बल्कि प्लस ही परफॉर्मेंस प्रॉफिट कवर कराएगा। तो गाइस, काफी अच्छा रिटर्न्स है। अगर 6 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइस 1 ईयर में जो शेयर है आपको 16.02% तक का परफॉर्मेंस प्रॉफिट प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइस, काफी अच्छा ये प्रॉफिट आपको 1 ईयर में भी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप भूल गए तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज, आप इसके फाइनेंशियल की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइज मैंने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का फाइनेंशियल का चार्ट लगा रखा है, और गाइज ये मैंने क्वार्टरली का चार्ट लगा रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और गाइज, मैं आपको नेट इनकम क्लियर करने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं गाइज मैंने क्वार्टरली Q1 2020 का इसका नेट इनकम जो है 18.98 यानी कि गाइज 19% 19 बिलियन तक का ये गाइज आपको ये परफॉर्मेंस नेट इनकम क्लियर कर रहा है। गाइज, ये शेयर जो है आपको Q1 2020 में अपेक्षा Q3 की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइज 19 बिलियन। गाइज, ये लगातार गाइज आपको ये 19 बिलियन तक का ही ये शेयर आपको नेट इनकम क्लियर कराता गया। गाइज, थोड़ा बहुत का अप टर्न पॉइंट्स में आपको दिख रहा हो। Q4 2020 की बात करें तो आप देख सकते हैं
21.86 यानी कि गाइस 21 बिलियन तक का इसने Q4 2020 में नेट इनकम क्लियर किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमेशा गाइस आपको इसने एवरेज बनाकर रखा, और गाइस इस बार Q4 2020 में जो शेयर है आपको काफी अच्छा नेट इनकम क्लियर किया है। गाइस अगर इसका शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने शेयर होल्डिंग लगा रखा है, और गाइस ये मैंने समरी और गाइस यहाँ पे मैंने ट्रेंड लगा रखा है, और आप देख सकते हैं गाइस ये दिसंबर 2020 में 62% तक का शेयर होल्डिंग रखा था गाइस, और अगर ये मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 62% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए थे गाइस, जिसने लगातार जो है हर क्वार्टर में उतना ही अपने शेयर को रखा है गाइस, अब क्लियरली दिख रहा होगा आप देख सकते हैं। तो गाइस इसने कोई चेंजिंग नहीं किया, अभी ये 62% तक का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। गाइस अगर FIA की बात करें तो आप देख सकते हैं FIA के पास दिसंबर 2020 में 14.92% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 14.95% का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज जिसने है हर इस क्वार्टर में अपने शेयर को इंक्रीज किया है। तो गाइस अपने शेयर को FIA ने थोड़े बहुत और भी इंक्रीज किया है। तो गाइस अभी जो है FIA के पास 14.95% तक का शेयर होल्डिंग है। गाइज अगर DIA की बात करें तो आप देख सकते हैं DIA के पास दिसंबर 2020 में 10.72% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइज मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 10.68% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइज आप देख सकते हैं DIA के पास जो है शेयर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है, फिर भी ये जो है DIA अपने पास 10.68% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं पब्लिक के पास जो है दिसंबर 2020 में 12.47% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइस मार्च 2021 में 12.47% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 के अपेक्षा इस क्वार्टर यानी कि मार्च 2021 में इसने अपने शेयर को ना ही इंक्रीज और ना ही डिक्रीज किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने वन डे कैंडल के साथ जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लगा रखा है, और गाइस ये मैंने नॉर्मल कैंडल नहीं बल्कि हाई कैंडल से कैंडल लगा रखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसने लास्ट का जो कैंडल बनाया है वो बुलिश, यानी कि अभी का जो ये कैंडल बना रहा है गाइस वो आपको बुलिश कैंडल बना रहा है, काफी बड़ा गाइस आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये कैंडल आपको क्लियर करके दे रहा है, और गाइस काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा रहा है गाइस। ये लगातार आप देख सकते हैं इसने अपने सपोर्ट्स को अचीव करने के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल दिया, और गाइस इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव करके गाइस इसने आपको फिर से रेड कैंडल यानी कि सपोर्ट की तरफ पड़ता हुआ गाइस आपको दिखाई दिया, क्योंकि आपको देख सकते हैं ये शेयर जो है लगातार अप बनाना चाह रहा है गाइस, इसलिए आपको इसने अपने टारगेट को अचीव किया, बट इसने थोड़े से आपको सिग्नल सेल कर दिए, आपको एक मौका दिया, बट फिर से गाइस ये आपको फिर से आपको ये अप बनाता शेयर दिख रहा है, और गाइस लगातार आप देख सकते हैं अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव करने के बाद ये गाइस इसने आज सेकंड सॉरी गाइस इसने अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव करने के बाद इसने आज सेकंड टारगेट को भी अचीव कर रखा है। और गाइस इसे अभी तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं ये जो शेयर है अभी सेकंड टारगेट से नीचे चल रहा है, बट आप गाइस देख सकते हैं अपने इसका हाई प्राइस आप देख सकते हैं इसने अपने टारगेट को यानी कि सेकंड टारगेट को अचीव कर रखा है। इसका फर्स्ट टारगेट जो बन रहा था वो 2382 पे बन रहा था जो कि इसने आज अचीव कर रखा है, और गाइस इसका जो सेकंड टारगेट बन रहा है वो 2409 पे बन रहा है जो कि इसने आज इसको भी अचीव कर रखा है। और गाइस अगर इसी तरह लगातार आगे बढ़ता है तो आप इसके टारगेट जान सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं इसका जो थर्ड टारगेट जो लास्ट यानी कि फोर्थ टारगेट बन रहा है वो 2493 का बन रहा है। तो गाइस काफी अच्छी है आपको इंक्रीज हुई शेयर दिख रही है। तो गाइस अगर बाई चांस यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस इधर से इसने किया था, उसी तरह अगर यहाँ से बाई चांस ट्रेंड रिवर्सल करता है तो आप देख सकते हैं इसके सपोर्ट्स में आपको क्लियर कर दूं जो इसका फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 2334 का। तो गाइस अगर बात की जाए RSI की तो देखिये मैंने RSI लगा रखा है, और ये मैंने RSI का ग्राफ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं लगातार जो RSI आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड करते जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़े से समय के लिए सेल का सिग्नल दिया था, और गाइस फिर से आपको बाई का सिग्नल दिया, लेकिन फिर से अभी आपको कुछ समय पहले इसने सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया था, लेकिन आप देख सकते हैं गाइस ये जो RSI है अभी आपको क्लियरली बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक भी लगातार दो दो कैंडल जो है बुलिश के बना चुके हैं, और काफी अच्छे और काफी बड़े ये कैंडल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस RSI जो है अभी आपको क्लियरली बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज मैं तो आपको कंफर्म कर रहा हूँ, तो आप मेरे कहने पे ही आप शेयर को तुरंत से बाई ना कर लें, आप खुद से भी अपना कंफर्मेशन क्लियर जरूर करें। तो गाइज अभी कुछ भी डाउट हो आप खुद से अपना कंफर्म जरूर करें, और आप खुद कंफर्म होते हैं तो ही आप शेयर को बाई जरूर करें, आपको काफी अच्छी प्रॉफिट ये दे सकता है अगर बाई करते हैं। तो गाइज आप खुद का कंफर्मेशन एक बार जरूरी है, खुद का कंफर्मेशन जरूर क्लियर करें। गाइज अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, और ज्यादा कुछ लगता है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइस आइए गाइस मैं आपको MACD से कंफर्म कराता हूं। तो देखिए गाइस मैंने MACD लगा रखा है, और ये मैंने MACD का ग्राफ लगाया हुआ है।
आप देख सकते हैं गाइस कि एमएसडी जो है आपको वन डे कैंडल के साथ जो है आप देख सकते हैं वन डे कैंडल के साथ क्लियरली आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर चुका है। तो गाइस एमएसडी लेट सिग्नल देता है, फिर भी आप देख सकते हैं एमएसडी जो है वन डे कैंडल के साथ लगातार जो है कई दिनों से गाइस आपको ये बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको वन डे कैंडल में संतुष्टि नहीं है तो मैं आपको 4 आवर में कैंडल चेंज करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं 4 आवर में गाइज आपको क्लियरली ये एमएसईडी जो है बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइज, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि गाइज जो लगातार मैं आपके लिए वीडियोज लाते रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। और जो गाइज मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, मैंने जो कुछ वीडियोज आपके साथ शेयर किया है, कुछ शेयर आपके साथ कंफर्म किया है, वो आप शेयर गाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से खुद भी शेयर को कंफर्म कर सकते हैं और शेयर को बाई करने के बाद काफी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइज ये जो शेयर है आपको काफी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।